गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर, आई एम फ्रॉम सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नकोदर। ये लेक्चर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड इट इज़ यूज टू परसुएड एन ऑडियंस टू बाय और यूज, ठीक है। कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विस के बारे में, प्रॉपर जो मार्केट बनी होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरी जो ऑडियंस है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको बताते हैं और उनको क्या करते हैं कि परसुएड करते हैं, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ऑडियंस को कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है उसको बाय करे और उसको यूज़ करे, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग मस्ट बी मेमोरेबल, जो एडवर्टाइजमेंट जो आपने देनी है वो मेमोरेबल होनी चाहिए, ताकि जो आपके कस्टमर हैं उन पर लॉन्ग टाइम के लिए उस एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट रहे, वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आपने दी है उसको माइंड में रखें, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट वेज टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, ठीक है, कि आप कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है कि एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप अपने गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग जो है वो डिजिटल स्ट्रेटजीज के थ्रू करते हो, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू जो है वो आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, ठीक है। बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं, ठीक है जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, यूट्यूब, ट्विटर, आप इन सारी चीज़ों पर क्या है कि अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो, ठीक है। ये ऐसे कि यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये PNG प्रोडक्ट का फेसबुक ना फेसबुक चैनल बना, फेसबुक पेज बना होता है, कोका कोला का बना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर जो है उसको अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। सेकेंड है न्यूज़पेपर एड्स। जो न्यू एडवर्टाइजमेंट होती है उसको पब्लिश, प्रिंटेड फॉर्म में पब्लिश करना न्यूज़पेपर में, ठीक है, उसको न्यूज़पेपर ऐड दे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज़, ठीक है, उन्होंने कोई ऑफ़र लगाई अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, कोई भी ऑफ़र लगाई है, न्यू प्रोडक्ट आया, जो कुछ भी है ना, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़ कराते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि स्नैपडील वालों ने ऑफ़र, ठीक है, लगाई हुई है, तो वो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की इसमें दी है न्यूज़पेपर में, ठीक है, हाफ प्राइस सेल, ठीक है जी, दी हुई है, ठीक है, 24/7 ऑनलाइन बुकिंग की, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दी है। सो मैनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप न्यूज़पेपर्स में देखते हो, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट है तो वो अपनी जॉब वैकेंसीज की जो ऐड है वो न्यूज़पेपर में देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी एड्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज, थर्ड इज सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रिटी ब्रांडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट एक किसी फेमस पर्सनैलिटी से, ठीक है, उसका उसका फेम नेम जो है, उसका सोशल स्टेटस जो है वो यूज़ करते हो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, ठीक है। जैसे ये पतंजलि के प्रोडक्ट है तो उसको बाबा रामदेव जो है एक फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो जो पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट है वो MS धोनी देते हैं, ठीक है। बहुत सारी, बहुत सो मैनी एड्स हैं, ठीक है जी, कोका कोला की, सॉरी, ये पेप्सी की जो है MS धोनी देते हैं, ठीक है। फिर जो फेयर एंड लवली की है, ठीक है, फेयरनेस क्रीम की जो शाहरुख खान देते हैं, ठीक है। बहुत सारी एड्स हैं जो आपने देखी होगी, ठीक है। कैबरी डेयरी मिल्क की जो है वो अमिताभ बच्चन देते हैं। तो फेमस पर्सनैलिटीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, ठीक है। लक्स की जैसे कि करीना कपूर देती हैं, ठीक है, तो वो इनके, उनका इसके पीछे मेनली मोटिव क्या होता है सेलिब्रिटी ब्रांडिंग कराने का, क्योंकि क्या होता है कि जो आज की यंग जनरेशन है, ठीक है, यूथ जो है वो बहुत सारे ना उनके फेवरेट पर्सन्स होते हैं, ठीक है जी। जैसे कोई किसी सेलिब्रिटी को लाइक करता है तो कोई किसी सेलिब्रिटी को, तो उनको, उनके ऊपर एक इफेक्ट डालते हैं कि आपका जो फेवरेट सेलिब्रिटी है वो ये ब्रांड यूज़ करता है। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो उनके फैंस होते हैं, ठीक है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स होती हैं, तो वो पर्सन भी उनकी, उनके जैसा बनने के लिए, ठीक है, वो उनको अपना रोल मॉडल बनते हैं, मानते हैं, तो उनके जैसा बनने के लिए वो भी वो प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फेयरनेस क्रीम की जो एडवर्टाइजमेंट है वो शाहरुख खान देते हैं, ठीक है, तो जो शाहरुख खान के जो फ़ैन हैं, उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर उस क्रीम को जो है फेयरनेस क्रीम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो लक्स की
एडवर्टाइजमेंट है वो करीना कपूर देती है, तो जो लड़कियां करीना कपूर की फ़ैन होगी वो ऑब्वियस है कि उनको ऐसा लगेगा कि करीना कपूर लक्स है ना, लक्स सोप जो है वो यूज़ करती है तो इसीलिए वो इतनी ब्यूटीफुल है, तो वो उसके जैसा बनने के लिए वो भी गर्ल्स जो है वो लक्स प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करेंगी, राइट। नेक्स्ट इज़ एड्स थ्रू मैगजीन, ठीक है, मैगजीन्स, ठीक है, बहुत सारे मैगजीन सब छपते हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ठीक है, उसको हम एड्स थ्रू मैगजीन्स बोल देते हैं कि मैगजीन्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजमेंट, इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसको टीवी चैनल, ठीक है, उसको टीवी शोज़ या किसी मूवीज़ म्यूजिक्स के थ्रू, ठीक है, उसको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि मूवी क्रिश है, उसमें जो है वो बॉर्नविटा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो जो बॉर्नविटा है वो उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की जो है एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, ठीक है जी। और अनुष्का शर्मा ने जब तक है जान मूवी में कैनन के इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, ठीक है, एक वो धूम मूवी है उसमें धूम की बाइक यूज़ की गई है, ठीक है, ऐसे ही है बॉडीगार्ड मूवी में सोनी वाइयो का जो उन्होंने यूज़ किया है इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद जो एक म्यूज़िक है करीना कपूर का सॉन्ग है फेविकोल वाला, उसमें उन्होंने फेविकोल को एज अ एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको यूज़ किया है, ठीक है। तो ये होती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजमेंट कि आपने अपने प्रोडक्ट को किसी मूवीज़ के थ्रू, किसी म्यूज़िक के थ्रू, ठीक है, किसी वीडियो जो है ना टीवी शोज़ हैं उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को एक मैसेज देते हो बिना किसी कॉस्ट के, ताकि जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उनमें एक अवेयरनेस आ सके, ठीक है, कि वो हर एक चीज़ उनको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके जिससे उनका एटीट्यूड चेंज हो, उनके अंदर एक अवेयरनेस आ सके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये देखिए कि स्वच्छ भारत की जो एड्स आती हैं पोलियो बूथ्स की, ठीक है, कि उनकी जो एड आती है, तो ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या होता है कि आप जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उनको क्या करें, अवेयर कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टेलीविज़न एड्स, ठीक है, टेलीविज़न एड्स में क्या होता है कि जो खाए खो जाए, ठीक है, टेलीविज़न मीन्स के एडवर्टाइज एग्जांपल्स हैं ना, जो खाए खो जाए, दाग अच्छे हैं, ये एडवर्टाइजिंग है जो टेलीविज़न पर आती है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, टेलीविज़न एड्स पर, जो टीवी जब ना आप शोज़ देखते हो तो शोज़ के बीच में कुछ ब्रेक्स आती हैं, तो उन ब्रेक्स में जो एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है, तो ये टेलीविज़न एड्स है कि जैसे कि बहुत सारी आती है, फाइव स्टार की है, या सर्फ एक्सल की है, ठीक है, ये सारी एड्स हैं, ठीक है, हैप्पीडेंट के बहुत सारी एड, मैगी की एड आती है, डेयरी मिल्क की एड आती है, बहुत सारी, सो मैनी एड्स हैं, ठीक है। तो इंडिया की 10 लीडिंग एडवर्टाइजर्स बाय मीडिया स्पेंड, ठीक है, कि 10 जो एडवर्टाइजर कितना स्पेंड करते हैं, हिंदुस्तान लीवर जो है वो 376 मिलियन डॉलर्स जो है वो स्पेंड करते हैं, ये सारे है, कोका कोला कंपनी कितने स्पेंड करती है, कॉलगेट कितने करती है, पेप्सिको कितने करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया की 10 लीडिंग एडवर्टाइजिंग और कंपनीज कौन सी है, ठीक है जी, ये 10 है, FCB यूलिका एडवर्टाइजिंग है, रेड फ्यूजन है, रिक्सन है, ठीक है, ये सारी है, ग्रे वर्ल्ड वाइड है, तो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग डैट गिव एडवांटेज टू मैनी कंपनीज, ठीक है, कि इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट की एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, मीन्स के एक ऐसी इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग की एग्जांपल, ठीक है, जिससे क्या होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ को वो क्या करती हैं, एडवांटेजेस देती हैं, ठीक है, जैसे कि वोडाफोन, तो उन्होंने वोडाफोन ने क्या था कि जूजू कंसेप्ट चलाया था, ठीक है, जब IPL सेकंड आया था 2009 में, ठीक है, तो उससे क्या था कि 89 मिलियन पीपल जो है वो फर्स्ट 10 डेज में IPL के लिए आए थे, तो जो वीडियो थी उसको 3 मिलियन हिट मिले थे थ्री वीक्स में, ठीक है। तो जूजू कंसेप्ट आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा किसी ने तो आप यूट्यूब करके देखना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था उनका, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विनी कॉस्मेटिक्स, ठीक है, उन्होंने अपना फेमस ब्रांड फॉग डिओड्रेंट जो है वो डेवलप किया था, उन्होंने 2011 में अपनी एक टैगलाइन, ठीक है, इंट्रोड्यूस की थी, लॉन्च की थी, बिना गैस वाला स्प्रे, ठीक है। तो उनकी एक फेमस जो एड थी वो 2014 और 2015 के मिड में, ठीक है, लॉन्च हुई थी, तो उसमें क्या था कि एडवर्टाइजमेंट में पूछते हैं, ठीक है, कि और क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना, तो वो एडवर्टाइजमेंट थी, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। अगर आपको कोई इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्रेसिव टेक्निक्स करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।